नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज़ अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड सवाल अपना ये है कि वी नीड टू फाइंड द वर्क डन इन जूल फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वो कितना होएगा हमारे ऑप्शन हैं थ्री सेवेंटी फाइव फाइव या फिर 5000 थाउजेंड जूल ये हमारे ऑप्शन हैं सो so, सिंपल सवाल है यहाँ पे आपकी गन है उस गन से आपकी बुलेट लीव की है और जब ये यह बुलेट यहाँ से यहाँ लीव की है तो इसकी वेलोसिटी थी थाउजेंड मीटर पर सेकेंड अज्यूमिंग ये स्ट्रेट लाइन में गई है अपने टारगेट पे हिट की है और जब यहाँ टारगेट पे हिट किए तो इसकी वेलोसिटी हो गई है फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हमें ये बताना है कि इस दौरान कितना वर्क डन हमारा वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया वो सिंपल सवाल है तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होएगा वो होगा आपका डेल्टा के ही चेंज इन कानी एनर्जी सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर सो so, यहाँ पे हम डेटा डाल सकते हैं सो दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास मास ऑफ बुलेट अपने को 10 ग्राम दिया हुआ है सो दैट विल बी 10 इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई विटी फाइनल का स्क्वायर यानी कि 500 हंड्रेड स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इसे सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर आ जाएगा और uh, इसका जो फाइनल आंसर होएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर Uh, B uh, 3750 would be the right answer.